गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ रहे 16.2। लास्ट एक्सरसाइज में अपन ने बात की थी कि ये अपनी लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको करने से पहले आपको करना है डिविजिबिलिटी रूल्स, जो एक चैप्टर मैंने आपको पहले पढ़ाया था, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी रूल्स। उसके अंदर आपको कंप्लीट पढ़ाए गए कि 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 और 9 से डिवाइड कब होते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ 2, 1, y, 5 इज मल्टीपल ऑफ 9, वेयर y इज ए डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो इससे पहले अपन लिखेंगे दैट डिजिट इज डिविजिबल by 9 by 9 if the sum of digit is the multiple of 9। यानी डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। इंप्लाइज दैट 2 plus 1 plus y plus 5 equals to 9 into k, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिजिट का सम। तो डिजिट का सम क्या हो रहा है, 2 1 plus 3 3 और 5 8, 8 plus y equals to 9k। अब k की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या हो गया, 4 k equals to 0, 8 plus y equals to 0। y की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है माइनस की, तो माइनस की तो डिजिट हो नहीं सकती। तो अपन क्या करेंगे, k की वैल्यू 1 रखेंगे, k equals to 1। तो 8 plus y equals to 9, 9 हो जाए 9। तो y की वैल्यू आ गई यहां से 9 minus 1 equals to 8, 9 minus 8 equals to 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। चेक करते हैं, अगर अपन ने यहां पे 1 रख दिया तो 2 1 3 3 1 4 4 और 5 9, 9 क्या है, मल्टीपल है, यानी कि ये डिवाइड होता है। इसी तरीके से 3 का होता है, बिल्कुल सेम होता है, द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। 9 की जगह क्या लिखेंगे, 3 इफ द सम ऑफ डिजिट इज द मल्टीपल ऑफ 3। 9 की जगह केवल 3 करना है और बाकी ये और सेम रूल है। कैसे, 2 plus 4 plus x इंप्लाइज दैट 2 plus 4 plus x equals to 3k, 4k equals to 0, 4k equals to, या एक बार और सोल्व कर लेते हैं इसको, 6 plus x equals to 3k, k equals to 0, 6 plus x equals to 0, 6 की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या आई, -6, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसमें भी एक बार अपन ये वैल्यू पुट करके रख देंगे कि नोट ही पॉसिबल। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, यानी 6x, 6 plus x equals to 3, x की वैल्यू आ गई यहां से 3 minus 6 equals to minus 3, ये भी नॉट पॉसिबल। अब 2 रखते हैं, तो इस तरीके से अपन वैल्यूज रखेंगे, अपन तो क्या डायरेक्ट रख के चेक कर लेंगे वैल्यूज को कि यहां पे कौन कौन सी वैल्यूज को अपन रख सकते हैं कि वो 9 का मल्टीपल हो जाए। जैसे 0 को अपन रखें, अक्ष की जगह क्या रखें, 0, 8
एक्स इक्वल टू जीरो, तो सिक्स के इक्वल टू सिक्स अपॉन थ्री इक्वल टू टू, यानी कि मल्टीपल है। ऐसे ही एक्स की वैल्यू और क्या रखेंगे, थ्री, एक्स की वैल्यू सिक्स और एक्स की वैल्यू नाइन भी रख सकते हैं, क्योंकि नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन, फिफ्टीन भी डिवाइड होता है थ्री से, तो एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई जीरो थ्री सिक्स नाइन। बिल्कुल ये और ये सेम से क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी लिखेंगे दैट डिजिट इज डिविजिबल बाई थ्री इफ द सम ऑफ डिजिट इज द मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री प्लस वन प्लस जेड प्लस फाइव इज टू थ्री के, थ्री वन फोर, फोर और फाइव नाइन, नाइन प्लस जेड इज टू थ्री के। अब जेड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जेड की वैल्यू यही हो सकती है जीरो थ्री सिक्स नाइन, एट एक्स इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू एक्स की जगह जेड है ना, के इक्वल टू इसके जीरो रखे के इक्वल टू थ्री, और जेड इक्वल टू थ्री रखा के इक्वल टू फोर, जेड इक्वल टू सिक्स रखा के इक्वल टू फाइव, जेड इक्वल टू नाइन रखा के इक्वल टू सिक्स, तो वैल्यूज आ गई अपनी जेड इक्वल टू जीरो थ्री सिक्स नाइन। ऐसे इसमें कर लेंगे, के की वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू थ्री रखिए अपन ने, तो थ्री आई, सिक्स रखे तो सिक्स सिक्स एटीन, एटीन में थ्री का डिवाइड किया ट्वेल्व है, ट्वेल्व में थ्री का गया फोर, और फिर नाइन रखा फिफ्टीन ये फाइव, तो वैल्यूज ऑफ, वैल्यूज ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो थ्री सिक्स कोमा नाइन। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 16 कंप्लीट, और इसी के साथ आपकी मैथ्स कंप्लीट। ओके, थैंक यू।